जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे 15 अगस्त पर शानदार भाषण। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले देशभक्ति शायरी स्टार्ट करेंगे। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, शहीदों के खून की वह धारा याद कर लें, शहीदों के खून की वह धारा याद कर लें। उसके बाद माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त भारत देश के गर्व, सौभाग्य व सम्मान का दिन है। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है और हम सभी यहाँ अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी। हम उन महान वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था यह दिन हमें भगत सिंह, महात्मा गांधी, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ऊधम सिंह, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, भीमराव अंबेडकर आदि महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की याद दिलाता है। आज़ादी के बाद हमारे देश ने बहुत उन्नति की है, जैसे कृषि, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, साहित्यिक, खेल आदि। लेकिन आज भी हमारे देश में आतंकवाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता जैसी समस्याएं व्याप्त हैं। अतः हम सबको मिलकर इन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।